बीते साल की आखिरी रात बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 29 जबकि भारतीय पुलिस सेवा के 38 अधिकारी इधर से उधर किए गए। नीतीश सरकार ने 12 जिलों के डीएम और 13 जिलों के एसपी सहित कई अफसरों का तबादला किया है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले आईपीएस लिपि सिंह को सहरसा का एसपी बनाया गया है। लिपि सिंह ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि लिपि सिंह इससे पहले मुंगेर की एसपी थी, जहां दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमा विसर्जन को लेकर भड़की हिंसा की वजह से वे काफी विवादों में आ गई। उस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा था और मामले की तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें और मुंगेर के तत्कालीन डीएम को पद से हटा दिया। लिपि सिंह हाल में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए आरसीपी सिंह की बेटी हैं। वे मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर पहली बार सुर्खियों में आई। फिलहाल अब देखना होगा कि जिले में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं पर एसपी लिपि सिंह अंकुश लगा पाती हैं या नहीं, क्योंकि लिपि सिंह की गिनती सख्त ऑफिसरों में की जाती है। सहरसा जिले में हमारी प्राथमिकता जो है संपूर्ण अपराध नियंत्रण जो है वो प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए जो है सारे थाना सर्कल एसडीपीओ एसपी स्तर से जो भी गश्ती पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन होते हैं वो निरंतर चलते रहेंगे। साथ में शराबबंदी जो कि एक प्राथमिकता है उस पर हमारी काफ़ी हमारा पुरजोर रहेगा। और जो भी समस्याएं जो होती हैं पब्लिक की पुलिस से रिलेटेड उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। उस पर एक जो सरकारी व्यवस्था चली आ रही है कि सैटरडे हर शनिवार को थाना लेवल पे अनुमंडल सॉरी ब्लॉक और जो सीओ बीडीओ और जो थाना प्रभारी लोग बैठते हैं तो उनकी जो मीटिंग्स हैं वो हम लोग इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर हों और वहाँ पे बैठ करके जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड और जो पुलिस की तरफ से सपोर्ट चाहिए होता है उसको हम लोग उस व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे, जिससे कि इस क्राइम में या इस चीज़ से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उसमें कमी आए।